गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू आवर यस्टरडेज लेसन अ ट्रम ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हेगन। सो चिल्ड्रन, यू रेड इन आवर प्रीवियस क्लास दैट ट्रिकी ही वॉज अ स्मॉल डॉग, ही वॉज अ पेट ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे शी वॉज द मिस्ट्रेस, she was the owner of Tricky and she loves her dog very much. She loves Tricky very much. She used to overfeed her dog. As a result, Tricky, he became ill. Mr. Harriet, he was a surgeon. He saw Tricky. He advised Mrs. Pumphrey to give less amount of food to Tricky. But Mrs. Pumphrey, she did not listen to Mr. Hager, who was a surgeon. One day what happened? Tricky, he stopped eating food. Then Mrs. Pumphrey, she at once rang up Mr. Hager. When Mr. Hager, he saw Tricky, he knew the cause of Tricky's illness. And he took away Tricky in his house. Now children, let's continue our chapter. At the surgery, the household dog searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and went put down, lay motionless on the carpet. Then what happens when Mr. Harriet, he took Tricky, वो कहाँ लेगे Tricky को? अपने सर्जरी में, अपने घर पे, जहाँ पे उनका सर्जरी था, जहाँ पे उनका हॉस्पिटल था। तो जितने भी, एंड मिस्टर हेरियट ही हैड अदर पेट डॉग्स आल्सो, और जितने भी उनके घर में दूसरे डॉग्स थे, वो उन्होंने क्या किया, ट्रिकी के चारों ओर राउंड बनाकर वो घूमने लगे और ट्रिकी को देखने लगे। एंड ट्रिकी ही ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट विदाउट एनी मूवमेंट। जो ट्रिकी था, बिकॉज ही वॉज इल, वो कार्पेट पे लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, described he was an uninteresting object and ignored him. And the other dogs, after smelling Tricky, after looking at Tricky, वो समझ गए कि जो Tricky है यह uninteresting object है, unattractive object है, और उन्होंने Tricky को ignore करना शुरू कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. And Mr. Harriet ने क्या किया? He made a bed for Tricky. उन्होंने Tricky के लिए एक bed बनाया, बिस्तर तैयार किया, जहाँ पे दूसरे dogs भी सोते थे. And for 2 days, और दो दिन तक Harriet ने अपनी नजरें, अपनी पूरी निगरानी रखी Mr. Harriet पर, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, नहीं दिया. He gave Tricky nothing to eat, only plenty of water. And at the end of the second day, Tricky, he started to show some interest in his surrounding. Tricky, he started to show some interest on other dogs. And when I opened the door, and when the veterinary doctor, he opened the door, उन्होंने क्या देखा? Tricky trotted out and was immediately engulfed by Jaw, the greyhound and his friend. जो Tricky था, वो बाहर भागा, और उसके साथ जो दूसरे डॉग्स थे वो भी उसके साथ बाहर भागे, और वो क्या करते रहे, गार्डन में खेलते रहे, और Tricky भी उनके साथ, Tricky ही ऑल्सो फॉलो देम, उन द अदर डॉग्स, वो भी दूसरे डॉग के साथ खेलता रहा। लेटर दैट डे, जो हेरियट है, ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग Tricky's फीडिंग टाइम। उसका जब खाने का टाइम होता था तो डॉक्टर भी वहां पे मौजूद होते थे। उन्होंने क्या देखा कि जो अदर डॉग है सब क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो खाने के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। और जब उन्होंने दे हैड फिनिश्ड देयर फूड, अपना फूड को फिनिश कर दिया, Tricky took a walk around the shining box. Tricky ने क्या किया, जो शाइनिंग बॉक्स मतलब एम्पिटी जो बाउस थे उसके चारों ओर राउंड लेना शुरू कर दिया। एंड नेक्स्ट डे Tricky के लिए एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज कैप्ट फॉर Tricky, Tricky लिए एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। बट डॉक्टर हेरियट, ही वॉज प्लीज,
मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि ट्रिकी ने क्या किया, ही पुश्ड द बाउल, उसने उस बाउल को धकेल दिया और उस फूड को नहीं खाया। और उस दिन से फ्रॉम दैट डे ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी, हिज रिकवरी इट वॉज रैपिड, वो जल्दी से होने लगी। उसको ही हैड नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं दिया गया। बट ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब ट्रिकी वो क्या करने लगा, दूसरे डॉग जो पेट्स थे एरियट के, उनके साथ उनके स्क्रिमेजेस कहते हैं झगड़े, झगड़े में वो शामिल होने लगा उनके फाइट्स में। और वो अब जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया वो उनके क्रू का। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे, एंड इस दौरान जो मिसेस पम्फ्रे थे, हावर्ड इंसिस्टिंग द बैकग्राउंड, हावर्ड मतलब हंगओवर, वो मंडरा रही थी अपने घर में। एंड शी ड्रिंक्स अ डजन टाइम, मिस्टर हेरियट को उन्होंने ड्रिंक कर दिया था क्या करने के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज ट्रिकी के बारे में जानने के लिए। एंड वो पूछा करती थी वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, कि जो ट्रिकी के जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली टर्न चेंज किए जा रहे हैं या नहीं, ट्रिकी को डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं। एंड द डॉक्टर ही वॉज एबल टू टेल हर, ही वॉज एबल टू टेल मिसेस पम्फ्रे दैट द ट्रिकी ही वॉज आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड ही वॉज रिकवरिंग रैपिडली। एंड वेन मिसेस पम्फ्रे शी हर्ड दैट ट्रिकी ही वॉज रिकवरिंग रैपिडली, उसने क्या किया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम, एक समय के लिए 2 दर्जन लाने लगी ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बन जाए। एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और वो हेरियट कह रहे हैं कि वो टाइम बहुत हैप्पी था हमारे लिए, क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर हम क्या कर रहे थे, हम 2 egg ले रहे थे ब्रेकफास्ट में। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन फिर वाइन की बॉटल्स भी वहां पे आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। डॉन कहते हैं रियलाइज टू अंडरस्टूड, तो जो रियल पॉसिबिलिटीज थी, जो संभावनाएं थी सिचुएशन की, अब वो रियलाइज उनके घर की सिचुएशन की जो संभावनाएं थी, जो पॉसिबिलिटीज थी, वो उन्हें उसका पता चल गया। मतलब कि ट्रिकी को क्या दिया जाता था घर में, एग दिए जाते थे, वाइन दिए जाते थे, है ना। And it was to undo Tricky's blood. और ये सब जो eatables थे, ये सब Tricky के blood में शामिल था। They were days of deep content. अब writer कह रहे हैं कि वो जो दिन थे, वो बड़े content satisfaction के दिन थे। Starting well with extra egg in the morning. अब उनकी जो शुरुआत होती थी, वो extra egg से होती थी। Mid improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. Sustain कहते maintain, और उनका दोपहर के समय they took wine, वो wine लेते थे और रात को वो आग के तरफ बैठ कर वो brandy को पीते थे। It was a temptation to keep Ricky on as permanent guest. अब writer Harriet और उसके जो पार्टनर था उनका एक टेम्पटेशन, एक अट्रैक्शन बन गया कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, कि ट्रिकी को परमानेंट अपने पास रख ले। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर फॉर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन मिसेस पम्फ्रे शी वाज सफरिंग, शी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, और आफ्टर फॉर्टनाइट और 2 हफ्ते के बाद फेल कंपेल टू फोन, वो कंपेल हो गए फोन करने के लिए मिसेस पम्फ्रे को बताने के लिए कि नाउ ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड आप आओ और ट्रिकी को ले जाओ। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में मिसेस पम्फ्रे शी केम, वो आ गई इन हर ग्लीमिंग ब्लैक मेटल कार, अपने शाइनिंग ब्लैक कलर के कार में। एंड द चौफियर द ड्राइवर ओपन द डोर एंड मिसेस पम्फ्रे शी लॉस्ट इन हर थॉट, वो अपने विचारों में खो गई। उसके जो हैंड्स थे वो टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने उसने टाइटली बंधे हुए थे, और उनके जो लिप्स थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, वो कांपे।
Oh, Mr. Hadier, do tell me the truth. Is he really better? And she asked Mr. Hadier, Hadier, मुझे बताओ क्या ट्रिकी वास्तव में ठीक हो गया है? Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. And the doctor replied कि ना ट्रिकी, अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है. तुम्हें कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है. मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ. And जो हेडियर थे वेटरनरी डॉक्टर, वो ट्रिकी को अपने घर से ले आए. एंड जो चौफियर जो ड्राइवर था, he was still holding the car door open. उसने अब भी कार को खुला, उसके दरवाजे को खुला छोड़ रखा था. And when Tricky he saw Mrs. Pumphrey, जब उसने अपनी मिस्ट्रेस Mrs. Pumphrey को देखा, he took off from Harriet's arm. Harriet के आर्म से उसने जंप मारा और वो Mrs. Pumphrey के लैप गोद में वो बैठ गया. And Mrs. Pumphrey she was surprised. और वो बोली, क्या बोली? ड्यूरिंग द असाइनमेंट. एंड यू सो सरप्राइज मिसेस पम्फ्रे, ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफियर टू ब्रिंग आउट द बैग. और इस एक्साइटमेंट के दौरान हेरियत ने ड्राइवर की हेल्प करी उसकी ट्रिकी के बेड को लाने के लिए, उसके टॉय, उसके कुशंस, ट्रिकी के कोर्स एंड डिफरेंट बाउल्स को, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया. एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार चलने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो. एंड मिसेस पम्फ्रे शी लीन आउट, उन्होंने अपने हेड को बाहर निकाला. टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके आईज में टीयर्स आंसू थे और उनके जो लिप्स थे वो काम थे. ओ मिस्टर हेडियर शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जन. ओ मिस्टर हेडियर, एंड वो बोली, मिस्टर हेडियर, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? This is a trump of surgery. ये सर्जरी की एक सक्सेस है. So children, now come to the word. Whimper, to cry softly. Jostling, pulling. Scrimmages, fight. Howard, hungover. Reverently, respectfully. Now children, read the story given in your book and do the oral comprehension question. Short question answer and as well as long question answer. Thank you.